नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का अपना रूटीन हो गया है हमारा शुरू, और यहाँ पे सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। आज है होली कलर वाली, तो सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, खूब अच्छे से मनाना सब। और इधर बच्चे भी लग रहे हैं करने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो सुबह ही उठते ही कलर ही लगाना, लेकिन अभी मैंने रोक दिया। मगर नहीं, अभी थोड़ी देर नाश्ता वगैरह करके तब करियो। और मैंने भी पूजा पाठ कर ली, अपने काना को भी स्नान करा के बिठा दिया है मंदिर में। और मम्मी गई हुई है अभी देवता बाबा पे पूजा करने के लिए, बच्चों को भी लेगी, ईशु और आरू को दोनों को। फिर दिया लगाने गई है देवता बाबा पे, मैं कल गई थी और आज मम्मी गई। और बस सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। मुझे मिले, मैं करूँगी साफ सफाई घर की, पूजा पाठ हो चुकी है। देखती हूँ, अगर नाश्ता पहले बनाना तो नाश्ता बनाऊँगी, वरना साफ सफाई। और रुचि लग गई है कपड़ों में, मशीन तो खैर मैंने लगा दी थी सुबह ही, लेकिन अभी बीच में लाइट चली गई है। कपड़े हो रहे काफ़ी सारे, दो दिन के शायद रुचि हर के भी थे कपड़े। फिर हम भी आ गए और दूसरा फिर हमने उतारे भी, साफ सफाई करी ना सोफे के कवर वगैरह बेडशीट, तो काफी सारे हुए। इस वजह से मैं दिखा दूं आपको रुचि को। और रुचि लग गई है देखे कपड़े निचोड़ने में, क्योंकि थोड़े ही धुले हैं, यही निकाल देगी पानी में, तो फिर लाइट आएगी मशीन में, मैंने डाल रखे तो वो घूम जाएगी। हाँ, लाइट का सुबह ही अभी गई, वैसे तो आ जाएगी शायद। है बहुत सारे भी तो हो रहे हैं, कोई नहीं, हो जाएगा आराम से। कल भी टाइम नहीं लगा हमें, फिर शाम के टाइम हम थक गए थे, इस वजह से नहीं धोए थे। कोई बात नहीं, दोनों बहने मिलकर कर लेंगे, एक एक कपड़ों का कर लेगी, एक नाश्ते का रसोई का कर लेगी, है ना। अब मैं क्या करूँ बता दे मुझे, अभी काम नाश्ते का करूँ और साफ सफाई। झाड़ू पोछा लगाऊ पहले, साफ सफाई करूँ, एक नाश्ता करूँ, नाश्ते का करवा बनाऊ। चल ठीक है, तो जी मुझे मिल गया नाश्ते का काम, मैं नाश्ते का करती हूँ। और आप नहीं फिर हो जाओगे, आप नहीं नहाते धोते आज? आज तो होली है, आप तो ऐसे ही लग रहे, दोनों होली खेल रहे हैं। अच्छा, होली खेल गए, आप भी खेल लोगे लगा देगा, क्यों बाहर नहीं जाने का गली में खेलना। अच्छा, असल आजकल का माहौल भी नहीं है तो पूरी मंडली से पूरी। हाँ, सबका। अरे लेडीज भी ऐसा थी पहले तो, एक दूसरे के घर जाती थी और लगाती थी सबके, लेकिन अपनी माहौल अब तो है ही नहीं, बहुत चेंज हो गया। फायदा है, सही बात है। तो और मम्मी तो वैसे भी नहीं निकलने देती, मम्मी तो नुकैद है, नहीं वही डर सारा हो गया आजकल, क्योंकि ऐसे उस पर सब पता नहीं चलता। तो बेचारे वैसे हिसाब से घूम हो जाओ, हाँ ड्रिंक वगैरह भी करो रखे हैं, बस पता नहीं चलता झगड़े का कहाँ हो जा। तो क्या मैं लगी एडिटिंग में, और एडिटिंग का काम मैंने गुड्डू का शौक रखा है यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता। और फिर गुड्डू भी फ्री है यहाँ से, वहाँ तो मेरे साथ ही काम भी करा देती थी, यहाँ नहीं करती आके। क्या यहाँ तो मौसी और आप दोनों तो आप अकेले थोड़ा ही कर रहे, और फिर हम कर लेते हैं दोनों बहने। और इधर मैंने अपने लड्डू गोपाल को बिठा दिया स्नान करा के। ये देखिए यहाँ ना थोड़ा अंधेरा सा है, यहाँ बैठ के गुड्डू लड्डू को भी साथ खेलनी है होली तो है। सबसे पहले तो बैठ के मैं सबसे पहले अब करती हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में क्या बनाऊँ, अभी तो सिंपल सा बना लूँ, बाद में कुछ बना दूंगी, है ना, रोटी सेक दूँ अब तो। यहाँ देखिए जी नाश्ते की तैयारी चल गई है। यहाँ पे नाश्ते में तो सिंपल रोटी बनेगी, आटा देके बना दिया रुचि ने, और यहाँ पे सब्जी ये रखी है, सब्जी के साथ खाएंगे। लेकिन फिर मम्मी कहने लगी, हमारा तो यही था कि हम सिंपल रोटी और सब्जी के साथ खा लेंगे, चाय बना लेंगे, लस्सी दही भी है। लेकिन फिर मम्मी आ गई थी पूजा करके, मम्मी कहने लगी कि नहीं चार पूरी बना लो और खीर, क्योंकि पूजते हैं आज। मुझे भी नहीं पता था आज का तो कि आज पूजती है, तो यहाँ फिर देखिए खीर रख दी है बनने के लिए। थोड़ी बना रही मैं, क्योंकि कल भी खीर बनाई थी, वो भी बची हुई है, जो खाएंगे उसको खा लेंगे। और ये पूजने के लिए रख दी बनने के लिए, तो ये खीर बनने लग रही इधर। और इधर मैंने तेल चढ़ा दिया और आटा बन गया। चार पूरी पूजने की सेक दूँ, दो पूरी गाय की सेक दूँ, और बस फिर और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह पूरी नहीं खाई जाती।
तो बस यहाँ पे हमारी नाश्ते की हो रही है तैयारी, और लाइट अभी तक नहीं आई, कपड़े रह रहे हैं बीच में। फिर रुचि भी आई, आ गई थी मेरे पास ही, वो भी लग गई है। मेरे घर कौन आ गया यो? अच्छा यो ले आई दीवा, इतना वहां लगाऊंगी दीवा। ठीक है चलो, आप चलो पहले। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो देखिए जी, बच्चे हो रहे हैं एक्साइटेड होली खेलने के लिए, और ईशु ने तो कपड़े भी गिल्ले कर लिए, और यहाँ होली खेलनी शुरू की जाएगी कान्हा जी से। और गुड्डू ने देखिए कलर ले लिया कान्हा जी को लगाने के लिए, तो सभी कान्हा से ही शुरू करेंगे। हाँ, हैप्पी होली कान्हा जी। ओए आरु तू भी लगा कान्हा को, मम्मी आप भी लगा दो कान्हा जी का, रुचि आ जाओ तू भी लगा, सारे लगा दो कान्हा जी का। लगा आरु, अच्छे से लगा गाना को, लगा दिया, अच्छे से लगाओ लगाओ लगाओ, लगा दो मम्मी सबके लगा दो। ऐसा नहीं, गुड्डू ईशु अच्छे से लगाते हैं टिक्का। आरु लगा दे दीदी को, आरु को भी लगाओ गुड्डू, अब माँ जी का भी टिक्का लगा दो। हैप्पी होली, तेरे पापा कहाँ गए? ओए ओए मैं कह रही थी मुझे भी बना दो, वाह माँ जी टिक्का ही लगा दो, माँ जी का तो मौसी जी आ गई, मौसी का भी लगा दो, लो रुचि ई गुट्टू सारे खेल लो। फिर पापा और चाचू कहाँ गए? ओए ओए आम जान लग रही, मैं भी बस टिक्का लगावेगी। हाँ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and... जी मैं कपड़े ले आई हूँ निचोड़ के, काफी सारे धुल गए, काफी अभी रह भी रहे, तो मैं कहा चलो इनको पहले फैला देती हूँ। तो ये ले आई हूँ फैलाने के लिए, एक बाल्टी और ये रहे मेरे पास, तो इनको फैला दूंगी। तो यहाँ देखिए जी कपड़े मैंने फैला दिए हैं, और इधर गुड्डू के पापा लग रहे हैं देखिए छत की साफ सफाई करने में, कर दी क्या? ये लगा रहे हैं यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे फैलानी है सरसों। सरसों नीचे ही पड़ी, वो जो मैंने कल दिखाई थी आपको, वो गिल्ली है और उसको सुखानी। कुछ तो यहाँ भी गिर जाएगी इस वाली छत पे, इस वाली पे, तो यहाँ पल्ली बिछा के उसको यहीं पे फैला देंगे, जिससे सूख जाए। फिर मम्मी से होता नहीं अकेले सारा काम, तो मैं परेशान रहती है, मगर चलो ये ऐसा ऐसा काम जो भी है तो वो हम करवा देंगे। तो उसके पापा ने तो छत साफ कर दिया है, और अभी सरसों लाएंगे भैया ऊपर, कट्टे हैं ना, वे कट्टे हमारे से तो उठेंगे नहीं, मैं कोई सावेंगे इसके चाचू और वे करवाएंगे। यार वो देख लो तीनों की मस्ती चल रही। आरू आरू नहीं खेल रही, हाँ इसे तो पानी तो खेलते हैं, आज तो पानी में भी भीगते हैं, फिर बाद में शाम को नाई नाई कर लियो। देखो तीनों की पूरी चल रही, बस बस गिल्ले क्यों हो रहे, कलर लगा लो। नहीं बस ईशु नहीं गुड्डू, ओ देख बस अब आ गया होगा मजा ऐसा। तो यहाँ तीनों बहनों की चल रही है मस्ती। कृष्णा तो नहीं बात करी क्या? उसका फोन आ रहा था, कर ली
नो कह रहा मुझे ये दिखाओ कि कितने कलर बचे हैं आपके पास और, यूं कह रहा था। वहाँ का नीचे ही है कलर तो। तो जी यहाँ पे देखिए लग गए हैं सब छोटे बड़े काम पे, और ये सरसों का काम बहुत बड़ा काम है। तो हमने सोचा मैं क्या चल सभी इकट्ठे हैं, हम भी आए हुए तो मम्मी को थोड़ा हेल्प हो जाएगी और बाद में परेशान रहेंगी, और काम ये ज़्यादा है थोड़ी, मतलब पूरी फसल ही है ये सरसों की, मैं क्या चलो इसे सुखा देंगे और ये फिर ख़राब भी होने का डर है। और इतनी मेहनत से फसल होती है, आपको पता ही है कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसान को, और मका ये हुई हुआ ही सारी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सारी सरसों, इसके पापा ने छत साफ कर दी, पल्ली वगैरह बिछा दी थी, उसके बाद इसके चाचू और दोनों ले आए हैं नीचे से गट्टे उठा के जो सरसों के, और फिर मैं भी आ गई थी, मैं कपड़े धो रही थी, कपड़े मैंने फैला दिए, कुछ रह रहे हैं अभी, वो मशीन चल रही है, और रुचि कर दिया नीचे का काम, किचन का कंप्लीट हो गया, वो कर दिया झाड़ू पोछा। तो इसी तरीके से देखिए सबके सब लगे हुए हैं अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने पर, सारे के सारे छोटे बड़े, और जब सब मिलकर काम करते हैं तो काम भी फटाफट हो जाता है। तो हमने भी सोचा धूप भी बहुत अच्छी हो रही है, मगर फिर बाद में इनको परेशान होना पड़ेगा, मगर चलो जितनी भी कोशिश है यही रहती है कि जितना भी ज़्यादा हेल्प कर सके जिससे कि देखिए नुकसान भी ना हो और काम भी सारा आराम से हो जाए। तो आज मौसम तो बहुत अच्छा था, मगर चलो आज ये सरसों अच्छे से फैला देंगे तो ये सारी सूख जाएगी, और देखिए फैला दिया और सारे लगे हुए, इसके चाचू भी दोनों और इसके पापा भी। और सुबह के टाइम ये बुग्गी भर के आए थे तीनों भाई, कोई कह रहा था कि खेत में नहीं जाते, तो भाई हर काम ये नहीं है कि दिखाया जाता है। सुबह ही सुबह 5 बजे तीनों भाई चले गए थे खेत में और 7 बजे तक वापस भी आ गए थे, जो गन्नों की बुग्गी है वो भर के आए थे। तो ऐसा नहीं है यहाँ आके कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं, तो वे जाते हैं काम भी करते हैं। तो अब खेत में मैं उनके पीछे कैमरा लेकर तो जाने तो रही कि मैं दिखाऊंगी, और सुबह ही इतनी जल्दी अंधेरे में ही चले गए थे, क्योंकि फिर वो था ना होली तो फिर काम नहीं हो पाता, इस वजह से सुबह ही करी आए थे। तो ऊपर का सरसों का काम सारा कंप्लीट हो गया और बस रुचि लग रही है झाड़ू पोछा करने में, झाड़ू उसने लगा दी, वो अंदर कर रही है पोछा, और यहाँ बस बाहर बच्चे खेल रहे थे होली, उन्होंने खेल ली, 10 बजे तक वे छक भी गए थे होली खेल के। तो फिर मैं यहाँ पे लगा दूंगी झाड़ू, सारा साफ सफाई कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि फिर यहाँ पे पड़ा हुआ गर्दा ये सारा अंदर ही जाएगा, गंद जो भी मतलब कूड़ा पड़ा वो पैरों पे लग के अंदर ही जाता है। तो यहाँ पे बच्चे भी मगर चलो नहा लो, अभी गिल्ले हो गए थे, पूरी मस्ती में लग रहे थे, और हम ज़्यादा होली नहीं खेलते, मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है और मम्मी को भी पसंद नहीं है, आपस में चाहे एक दूसरा थोड़ा बहुत लगा लो, लेकिन बाहर का कोई आए या खेले तो मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं है। और फिर आजकल माहौल भी नहीं है कि हम बाहर खेलने जाएं या फिर कोई बाहर का हमारे पास आए, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पे बस अगली वीडियो में दिखाऊंगी हमने होली कैसे सेलिब्रेट करी, वो वीडियो आपको शाम को मिलेगी दूसरे चैनल पे गुड्डू एंड ईशू शो पे, और खूब अच्छे से मस्ती करी वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज का वीडियो इतना ही, अगर इसमें करूंगी एडिट तो वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।